हेलो एवरीवन, सबको स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका भाई डॉगी, हमारे मुलाकात कभी नहीं होगी। ट्यूटोरियल वीडियो को आप सब बहुत प्यार देते हो, इसलिए थैंक यू, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दिल से बुरा लगता है भाई। सो प्लीज सर पकड़ा तुमसे ना हो पाएगा। तो आज हम सीखेंगे वैग बैंड में नाटू नाटू सॉन्ग कैसे बजाए, जो कि बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए मेरी तरफ से, हमारे चैनल मेंबर्स के तरफ से, पूरी RRR टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से वैग बैंड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद उसे ओपन करना है, उसके बाद मल्टीट्रैक सिंथ रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे जाना है। मेजर 50 BPM को 120 पे सेट करना है। अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके ड्रम पैड सिलेक्ट करना है, उसके बाद डांस ड्रम ओपन करना है। अभी रेकॉर्ड ऑन करके बीट बजाना है। अभी रेकॉर्ड ऑफ करके बैक आना है। वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना, आप इजीली समझ जाएंगे। अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके फिर से ड्रम पैड सेलेक्ट करना है, उसके बाद जाज ड्रम ओपन करना है, रेकॉर्ड ऑन करके बीट बजाना है। अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद रोड्स पियानो सेलेक्ट करना है, रेकॉर्ड ऑन रखना है। अभी रेकॉर्ड ऑफ करके बैक आना है। अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके ड्रम पैड सेलेक्ट करना है, उसके बाद किट 7 सेलेक्ट करना है, अभी रेकॉर्ड ऑफ करके बैक आना है। अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद ट्रम्पेट सेलेक्ट करना है, रेकॉर्ड ऑन करना है।
अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके ड्रम पैड सिलेक्ट करना है। उसके बाद EDM हिप हॉप ड्रम पैड सिलेक्ट करना है। ये हमारा बनाया हुआ म्यूजिक है, अभी इससे प्ले करके सुनते हैं। अभी इससे सेव करके बैक आना है। इससे MP3 को कन्वर्ट करना है। मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे कि वैक बैंड पे लूपिंग कैसा होता है। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना है इस वीडियो देखी। ये दोनों वीडियो में सब कुछ कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है।